यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा काश यार मेरी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होती इस पेड़ को भी मैं समझ पाता और मैं नाबार्ड एग्जाम भी बहुत आसानी से क्लियर कर सकता था पर अब इस चीज को मैं कैसे समझू अरे यार हटाओ ये सब ये सब मेरे बस का नहीं है यही क्वेश्चन बहुत सारे नाबार्ड एस्पिरेंट्स के मन में रहेगा कि

तो so, का meaning ही क्या होता है जनरलिस्ट स्ट्रीम तो एक जनरल स्टूडेंट्स के लिए होता है for all students with multiple graduations. ये सामान्य लोगों के लिए और सामान्य स्ट्रीम है इसीलिए मैंने जनरलिस्ट का सामान्यता ये एक टर्म लिखा है तो ये टर्म आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझ ले तो जैसे देखो यहां पर नाबार्ड बोल रहा है जनरलिस्ट ड्रॉप के लिए तो

एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड और एग्रीकल्चरल ग्रेजुएशन एज वेल एज स्पेशन फॉर दिस जर्नलिस्ट स्ट्रीम यह जनरलिस्ट स्ट्रीम जनरल स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है जनरल स्टूडेंट्स मतलब आपका बैकग्राउंड कॉमर्स हो आपका बैकग्राउंड इंजीनियर हो आपका बैकग्राउंड इवन लॉयर हो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो दिस जनरल स्ट्रीम धिस सामान्यता इज फॉर ऑल ओके सेकेंड थिंग इज नो खेती बाड़ी अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि अरे यार नाबार्ड इज ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्रीकल्चर को सर्व करती है तो यहां पर रोल भी ऐसा होगा जैसे कि फार्मर्स का और स्पेशलाइजेशन भी नॉलेज की जरूरत होगी एट द सेम टाइम डीप एग्रीकल्चरल नॉलेज की जरूरत होगी लेकिन आपको सलमान भाई जैसे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्यों इट्स वेरी सिंपल देर इज नो खेती बाड़ी कंसेप्ट इन नाबार्ड आपको समझना होगा कि वर्क प्रोफाइल जॉब रोल फंक्शन ये नाबार्ड के दीज आर नॉट रिक्वायरिंग एग्रीकल्चरल कोर नॉलेज एज वेल एज नॉलेज एट द सेम टाइम नाबार्ड को किसानों की जरूरत नहीं है नाबार्ड को ऑफिसर्स की जरूरत है सो so, फार्मर नहीं चाहिए नाबार्ड को नाबार्ड को ऑफिसर्स चाहिए नाबार्ड को डीप एग्रीकल्चरल नॉलेज नहीं चाहिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ओके नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपकी एक्सपर्टीज नाबार्ड को एग्रीकल्चरल फील्ड में या फिर एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है ठीक so, है, है।, so, है।, है? क्योंकि जैसे हमारे बाबू भैया कह रहे नाबार्ड में चाहिए भी नहीं रे बाबा आपका जो एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन है आपका जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है वो नाबार्ड में चाहिए ही नहीं तो आप प्लीज ऑप्ट आउट मत कीजिए ओके एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस इज सिलेबस अब जब आप नाबार्ड का सिलेबस फेज वन और फेज टू में देखते हो तो आपको एक चीज समझनी होगी कि फेज वन के आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स कौन से कौन से रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिसीजन मेकिंग जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये सारे जब मैं सब्जेक्ट्स को देखता हूं और इनकी मार्किंग को भी जब मैं बैलेंस आउट करता हूं आई अंडरस्टैंड दैट दिस जनरलिस्ट पोस्ट एक्चुअली इज फॉर एनी ऑफ द ग्रेजुएट्स ओके इट्स फॉर ऑल ग्रेजुएट्स सो इट इज नॉट फॉर एनी वन डन एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन और मे बी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएशन तो ये बात आप अपने मन में डाल दीजिएगा सेकेंड थिंग इज फेज टू फेज टू में क्या होता है पेपर वन और पेपर टू पेपर वन में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव और पेपर टू में सब्जेक्टिव उसमें भी ईएसआई एंड 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 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यू कर सकते हैं तो जैसे ये कह रहे कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा और बस चलेगा नहीं दौड़ेगा ओके okay? सो so, यहां पर आप देख सकते हो जैसे हमारे आ, जैसे हमारे गोविंद है आपका आपका ग्रेजुएशन कोई भी चलेगा यू मे बी अ लॉयर यू मे बी अ इंजीनियर यू मे बी अ अम यू यू मे बी अ ग्रेजुएट यू मे बी एनी थिंग नाबार्ड इन इट्स नोटिफिकेशन मेन्शन दैट जनरलिस्ट स्ट्रीम इज ओपन फॉर ऑल ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस इज दैट अपर हैंड टू एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड जो कि मैं पहले ही कह रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे डर जाते कि अरे यार नाबार्ड जहां पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एक सब्जेक्ट है वहां पर उनको यह लगने लगता है दैट एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स वुड बी हैविंग अपर बैकग्राउंड दोज हु हैव ग्रेजुएटेड इन एग्रीकल्चरल लाइक हॉर्टिकल्चर सॉयल साइंस या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग दे वुड बी हैविंग अपर हैंड एंड दे विल डिफीट अस इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बट दिस इज रॉन्ग ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये सबसे बड़ी गलतफहमी है इट्स अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन तो दुनिया का सबसे बड़ा चीज होता है गलत फहमी फिर, फिर फिर होता है बहुत बड़ी गलत फहमी और उसके बाद अगर सबसे बड़ी अगर कोई गलत फहमी होगी तो वो है कि एग्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एडवांटेज है नाबार्ड एग्जाम में तो ये बहुत ही गलत है दिस इज नॉट ट्रू यू हैव टू बी एन एवरेज कैंडिडेट एंड हैविंग ग्रिप ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर द सिलेबस ओके okay, आपको बस एग्रीकल्चरल ग्रेजुएशन हो है आपके पास तो इट गिव्स यू एनी अपर एज ओके तो इस पॉइंट के बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर अपर एज है भी इफ यू अंडरस्टैंड इन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्रीकल्चरल सिनेरियो अगर मिसकंसेप्शन तो है ही कि एग्रीकल्चरल जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है उनके पास अपर हैंड है ठीक है अगर आपको यह लगता है कि यह मिसकनसेप्शन नहीं है उनको अपर हैंड है अगर आपको लगता है दैट इट इज ट्रू दैट एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ड इफ यू नो दिस तो फिर पढ़ ना ओके okay? हम कब से बैठे हैं कि नाबार्ड अभी एट टू नाइन मंथ बाद नाबार्ड का एग्जाम होगा तो फिर तू पढ़ ना अगर हमें पता है कि एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को अपर हैंड है ओके दे आर गोइंग टू हैव एज इन द कॉम्पिटिशन तो इट्स रैदर लॉजिकल एज वेल एज रैशनल की हम पहले से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे और उनको कॉम्पिटिशन में पीछे छोड़ दे राइट एंड द नेक्स्ट थिंग इज आरडी सब्जेक्ट अब सब स्टूडेंट्स पूरे नाबार्ड के सिलेबस में इस सब्जेक्ट से डरते क्यों इसके नाम से ही देखकर सबको यह लगता है कि अरे इसमें तो हमारी कोई कोई एक्सपर्टीज नहीं नहीं है है हमने तो इसमें ग्रेजुएशन भी नहीं किया बट लेट मी क्लियर यू विनोद देख रहा है विनोद सब्जेक्ट डी है एग्रीकल्चर नहीं और एआरडी मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब दे जस्ट वॉन्ट टू नो यूअर होलिस्टिक व्यू होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट ओके और इसीलिए एआरडी सब्जेक्ट एक होलिस्टिक और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है जो कि जनरलिस्ट स्ट्रीम के लिए रखा गया है धिस ए आर डी डजेंट मीन दैट यू शुड हैव कोर कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ कोर एग्रीकल्चर और मे बी एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन ओके तो याद रखना विनोद ए आर डी है एग्रीकल्चर नहीं नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट कम्स इज जनरल आइडिया अबाउट एग्रीकल्चर इज इनफके नाव धिस बिकम एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नाबार्ड वेन एवर नाबार्ड इज चूजिंग और थ्रू दिस ग्रेड ए एग्जाम जब नाबार्ड सिलेक्शन से जो भी ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हमें एक बात समझनी होगी दैट दे जस्ट वॉन्ट टू नो दैट दस

नाबार्ड एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट द एग्रीकल्चर नथिंग मोर नथिंग लेस ओके नाउ कम्स वर्क प्रोफाइल अब पिछले वीडियो में मैंने आपको इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस किया था दट वॉट इज द जॉब प्रोफाइल एंड हाउ नाबार्ड जॉब इज बेटर उसमें मैंने पहले ही बताया था दट नाबार्ड जॉब प्रोफाइल इज ओनली अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज ओके एक होता है इंप्लीमेंटेशन और दूसरा होता है फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज एंड दैट रोल इज मोर ऑफ मैनेजेरियल रोल और इट इज एन ऑफिसर्स पोजिशन तो देन यू कैन अंडरस्टैंड जैसे बाबू भैया था क्या आप भूल गए क्या तो भूल गए राइट तो इस वर्क प्रोफाइल में अगर इन डेप्थ अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं इट्स ओनली अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज नो वेर इट इज मैंशन दैट यू शुड हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन ओके अ जनरल आइडिया अबाउट एग्रीकल्चर आप बहुत एग्रीकल्चर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो आप पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हो और इंप्लीमेंट भी कर सकते हो ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दट वर्क प्रोफाइल ऑल्सो डजंट रिक्वायर यू टू बी अग्रीकल्चरल ग्रेजुएट देन कम्स अवर लास्ट पॉइंट दैट इज आइडियाज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है एक अच्छा आइडिया देने के लिए एक अच्छा सोल्यूशन देने के लिए आज इंडियन एग्रीकल्चर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है इसके सोल्यूशन देने के लिए आपके पास एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है हाउ लेट सी नाउ दिस इज नाउसिपल प्रॉब्लम ऑफ एन फार्मर जस्ट इमेजिन ये फार्मर है जो कि डेप ट्रैप में फंसा है डेप ट्रैप इन द सेंस वो लोन लेता जाता है और उस लोन में धसता जाता है तो सीयर सीड्स फर्टिलाइजर्स ट्रैक्टर्स पंप इलेक्ट्रिक बिल अनफेयर प्राइसिंग ड्राई सीजन फ्लड नॉट रिपे द लोन ये सारे प्रॉब्लम है जो कि इंडियन फार्मर फेस करता है, है कि नहीं? Uh, the, नहीं तो आपको एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है और मैं अभी प्रूव कर सकता हूं सो नो स्पेशन इज रिक्वायर फॉर सच सोल्यूशन लेट एस ट्राइ एंड लेट एक्सपेरिमेंट इीड्स सीड्स में प्रॉब्लम है तो आप बहुत सारे सोल्यूशन दे सकते हो जैसे कि सीड बैंक हो गया हाई वराइटीज ऑफ सीड्स हो गया ग्रीन रेवल्यूशन का एग्जाम्पल लीजिए कितना ग्रीन रेवल्यूशन को सीड्स ने हेल्प किया था फर्टिलाइजर्स अब फर्टिलाइजर्स का तो आपको पता होगा कि न्यूट्रिय सब्सिडी स्कीम यूरिया की स्कीम या फिर आ, हमारी आ, आ, जो कोटेड यूरिया होती है ओके दैट फर्टिलाइजर रिलेटेड स्कीम्स देन ट्रैक्टर दिस इज नथिंग बट मैकेनाइजेशन ऑफ़ एग्रीकल्चर अब ये भी टॉपिक से आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो पंप के कंटेक्स में पीएम पंप के में पीएम कुसुम योजना फिर इलेक्ट्रिक बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्ट में अगर आप देखोगे तो उज, उजाला या फिर उजाला योजना अनफेयर प्राइसिंग एमएसपीज़ आपको नाउ यू कैन एटलीस्ट कनेक्ट कि यू डोंट नीड टू हैव एग्रीकल बैकग्राउंड बट जनरल किसान विच प्रोवाइड रेगुलर इनकम टू द फार्मर एट द सेम टाइम ड्राई सीजन में आप सीड्स या फिर प्लांट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस है ओके फ्लड गज गवर्नमेंटल पॉलिसीज कौन से कौन से आ जाएंगे पीएम किसान आ जाएगी संपदा योजना आ जाएगी एंड देन कैन नॉट पे द री रीपेमेंट ऑफ द लोन दिस इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द फार्मर जो भी आज हमने स्कीम डिस्कस किए जो भी आज हमने ये प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स या फिर जो भी सोल्यूशन हमने डिस्कस करने की कोशिश की इट डजेंट रिक्वायर्स एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड किसी भी चीज को एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है सो लेट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू डू यू नो एग्रीकल्चर ऑफ दिस कंट्री डू यू थिंक दैट दिस एग्रीकल्चर कुड बी इंप्रूव क्या आपको लगता है कि जो भी एग्रीकल्चर के चैलेंजेस है उनको सोल्यूशन दिया जा सकता है इफ यू हैव दैट सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो देन वॉट यू आर वेटिंग फॉर प्लीज स्टार्ट यूर नाबार्ड प्रिपेरेशन ओके सो विथ धिस वी हैव कम टू एन एंड एंड आई थिंक इन धिस वीडियो यू गॉट एन आइडिया दैट नाबार्ड एक्चुअली डजेंट नीड्स एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड रैदर इट नीड्स पीपल हु है विजन It needs general people, general population, general students like you, but who are visionaries and who are determined to change the agricultural scenario of the country. Thank you. See you next time.